मुस्लिम समुदाय के बड़े त्यौहार माने जाते हैं। तमाम ही मुस्लिम समुदाय के लोग इन तमाम त्योहारों को, इन बड़े त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है, पिछली बार परिस्थिति अलग थी, हालात अलग थे, क्योंकि कोरोना महामारी ने तमाम चीजों को प्रभावित किया है, चाहे वो त्यौहार हो या फिर व्यापार हो, तमाम चीजें अस्त व्यस्त हुई है। बकराईद की क्या तैयारी है और किस तरह लोग इस बार बकराईद को मनाएंगे, जिस तरह मनाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुछ ग्रामीण मौजूद है। बकराईद को लेकर किस तरह की तैयारी है उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राष्ट्रीय मुसलमान है। राष्ट्रीय मुसलमान जी, बकराईद कर तो किस तरह मनाने की तैयारी है और किस तरह का मनाएंगे? देखिए, जो शासन और प्रशासन का आदेश आया है हमारे मंत्री ने कहा है इस बार तो जैसे पिछले साल की तरह हुआ है, वही आप अपने घरों में परस्पर सफलता से नमाज अदा करेंगे और अपनी घर में बनाए पहले बार हम नहीं मना करेंगे। हम बात करते हैं सरकारी गाड़ी लाने के और सरकारी गाड़ी लाने के मुताबिक जब त्यौहार मनाया जाए पिछला हुआ और यहाँ सभी हर साल सभी लोग बड़े अच्छी तरीके से अपने त्यौहार की आप और मोदी जी हैं और धन गुरु जी एक साथ तो बड़ी जिम्मेदार रहती है। तो आप लोगों से भी, लोगों को भी जागरूक करने के लोगों से अपील करने के घर में रहकर नमाज अदा करना आपकी भाईचारे के साथ हिंदू बकराए को मनाए क्या इस तरह की कोशिश की जा रही है? जो बहन है अपने बहन में बात बातें की गई है कि सभी अपने घरों पर त्यौहार मनाए और नमाज भी अपने घरों पर ही अदा करें। देखिए, देखिए हमारे साथ मौलवी साहब हैं जो लगातार कह रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन का पालन होगा और पूरी तरह से जो त्यौहार है उसको तमाम कायदे कानूनों के दायरे में रहकर मनाया जाएगा। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रहकर नमाज पढ़ें, तमाम कायदे कानूनों का पालन करें ताकि जो कोरोना महामारी है उसको मात दी जा सके और उन लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके जिस तरह से कोरोना ने अपना किरदार बताया है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं समाज में लगता है कि जो समाज जागरूक है वो कोरोना को बात देना चाहता है। मैं तभी मना नहीं तो नहीं है मुझे पता है स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को आतंक सुरक्षा छीन लेने वाला अलर्ट भेजा एजेंसियों को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी ग्रुप के सहयोग दिल्ली में पहुंची आतंकी साजिश को अंजाम दे रही थी। प्लानिंग पैदा के को लेकर दिल्ली पुलिस को चौकन्ना भी कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया है कि आतंकी 15 अगस्त से पहले खास तौर पर 5 अगस्त दिन जम्मू कश्मीर से 300 हटाए गए थे। हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। बता दें कि एक तरफ से आप एजेंसियों का अलर्ट है तो वही दिल्ली पुलिस ने ड्रोन हमले से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। ड्रोन हमले से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस को और दूसरे राज्यों की पुलिस को ट्रेनिंग भी दी गई है। इसमें 2 लेवल की ट्रेनिंग है, बैंडविड्थ है, पेंस सॉफ्ट किट जिसके अंतर्गत सिखाया गया है कि कोई भी ड्रोन पर झुक सके तो कैसे रिएक्शन किया जाए। वही दूसरी ट्रेनिंग का नाम है हार्ड किट जारी की फोर्स पर डिस्कोर या फ्लाइंग तो बता दें 15 अगस्त को लेकर पुलिस इस समय खासा अलर्ट डिप्लॉय किया और दूसरे एजेंसियों ने पुलिस को अलर्ट किया है। दिल्ली पुलिस को खास तौर पर और कहा है कि हो सकता है 15 अगस्त को आतंकी हमला कर दो, खास तौर पर 5 अगस्त को जिसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और ड्रोन के प्रयोग से हमला होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और तमाम राज्यों की पुलिस को खासा ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो ड्रोन के सके हुए हमले से निपट सके और एक्शन जो है वो ले सके। ग्रामर की दुनिया भी समाचार के पीछे गिरने लगेगी। दुनिया में इसका ताजा उदाहरण सुपर शक्ति के पति की राज खुद्रा है जिन्हें अश्लील फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। आज राज खुद्रा पर बिजनेसमैन की दे और कई लोग जानकर के शौक में को बोले कि चार भारतीय अदाकारों के पति पर्दे के पीछे ऐसे कारण देश पर देश सुपर शक्ति के पति राज खुद्रा को 23 जुलाई तक
पुलिस कस्टडी में भी केस लग गया है। इसमें रिपोर्ट आ गई है कि इसमें राजपूत राज पद से पुलिस नजर आ रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान पंचायत ब्लॉक में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चर्चा
वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय तकनीक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से व्यापक मंडार समझते नहीं रह गए हैं। तो बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रदेश के कांग्रेस महासचिव की तरफ से और योगेश सरकार ने उन्होंने निशाना साधा साफ तौर पर कहा कि उनकी जो जंगल राज और महिला बिल्कुल बेटियों की देश सुरक्षित बनी है। दरअसल ब्लॉक पर चुनाव के दौरान जो महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही थी उसको लेकर महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगेश सरकार पर निशाना साधा। तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह से तस्वीरें उन्होंने दिखाई अभद्रता जिस तरह से महिलाओं के साथ की गई थी ब्लॉक पर चुनाव के दौरान वो तस्वीरें दिखाई और उसी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा गया है और कहा गया है कि यूपी में जनता राज में महिलाएं बिल्कुल भी अपने देश को अच्छे से नहीं दिख रही है। जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव दसवीं कारक में लगातार विपक्षी दल एक्टिव मोड में नजर आने लगे हैं। इसी के साथ आरएनजी और मुजफ्फरनगर में युवाओं को आरएनजी पार्टी में पद देकर आगे बढ़ा रही है और आरएनजी पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। मुजफ्फरनगर में आरएनजी ने बुढ़ाना ब्लॉक के मोहम्मद रफी को ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया है और आरएनजी के पूर्व विधायक राजपाल बालियान ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की और सरकार पर चक्कर हमला बोला देख लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम अपोजिशन पार्टियां अपनी मंडली नजर आ रही है लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने लगी है और वही 2022 के विधानसभा चुनाव में जब भी मजबूत आ रही है लगातार तमाम पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो रही है। तमाम बातचीत करने के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आरएनडी के पूर्व विधायक और राजपाल बालियान। सर 2022 के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है तो किस तरह की तैयारी की जा रही है किस तरह बीजेपी को 2022 में मात दी जा रही है के
हिमाचल के जिले में इस प्रकार पश्चिम का निशाना साधा साफ हुए कई असुविधाओं को भी दिलाया कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कुछ डिस्क मैनेजमेंट को काफी मूल्य से प्रक्रिया उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी के इसी मूल्य पर विश्वास करती है क्योंकि प्रदेश में सरकार चला रही है और बीजेपी संचार करवाने की प्रदेश में बात करती है इसलिए बीजेपी पार्टी ऐसी है साथ ही उन्होंने एक कर दिया कि चिकित्सा स्वास्थ्य बिजली पानी की बात भी करती है बीजेपी की सरकार लेके और ऐसा सुविधा लोगों तक पहुँचाती रहती है इसके साथ आम आदमी पार्टी के सांसद ने कोरोना मैनेजमेंट को लेकर भी जमकर हमला बोला और कहा कि मैनेजमेंट के नाम पर पुलिस सरकार पर बड़ा घोटाला करने का संजय सिंह ने आरोप भी लगाया साथ ही उन्होंने कहा कि ऑक्सीमीटर थर्मामीटर और वेंटिलेटर बाजार से ज्यादा दामों पर खरीद कर सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। रामपुर में बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह और अपने सपा सांसद अमित खान जैसे स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए कहा कि हमारी सरकार उस पर कोई अत्याचार नहीं कर रही है। सपा सांसद अमित खान की पत्नी की तस्वीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि अमित खान ठीक नहीं थे उनको व्हील चेयर पर बैठाकर ले जाया जा रहा था उनको स्वास्थ्य नहीं किया उन्हें जबरन जेल में वापस जाया जा रहा था। इस पर औरंग ने कहा कि हमारी सरकार ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों से पैनल और उनके कोच पर ही अमित खान को जेल में वापस भेजा है साथ ही उनके आरोप भी निराधार है कि अमित खान के स्वास्थ्य होने की कामना नहीं करता है। तो बता रहे हैं फातिमा की तरफ से अमित खान की पत्नी की तरफ से लगातार विवाद करती जा रही थी आरोप को लगाने की थी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं किया उसके बाद उसे जेल में भेजा जा रहा था जिसके बाद अधिक जानकारी सामने आई है कि आसम खान की तबीयत ठीक के हालत में उन्होंने औरत ने कहा कि हमारी सरकार ने वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों से पैनल और उनकी रिपोर्ट पर ही आसम खान को जेल भी वापस ले जाएगा जब रिपोर्ट सही आएगी और पूरी तरह से वो स्वस्थ होंगे तभी उनको वापस जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के आरोप बिल्कुल निराधार है आसम खान की स्वस्थ होने की भी लगातार कामना भी करता हूँ और जल्द ही आसम खान ठीक हो जाएंगे। लगातार बीते कई दिनों से आजम खान की तबियत बिगड़ी हुई थी और इस पूरे का अस्पताल में आजम खान भर्ती थे ऐसे में उनकी पत्नी की तरफ से लगातार ये चीजें कही जा रही थी बातें कही जा रही थी कि उन्हें का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और उसके बाद उन्होंने जेल में वापस भेजा जा रहा है जिसके बाद बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औरत की तरफ से ये कहा गया है उन्होंने कहा कि सपा सांसद आजम खान के अच्छे स्वास्थ्य होने की वो कामना करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उन पर कोई भी अत्याचार नहीं कर रही है। दरअसल लगातार उनकी पत्नी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे थे उनकी पत्नी तहसील फातिमा ने आरोप लगाया था कि आजम खान ठीक नहीं है और वे जेल में बैठा कर जेल में वापस ले जाया जा रहा है वो स्वस्थ नहीं थे उसके बाद उन्हें जब हम जेल में वापस जाया जा रहा था उसके बाद हमने कहा गया है किसी भी तरह से कि उनकी सरकार आजम खान ने किसी भी तरह का इंतजार नहीं करेगी और ठीक होने के बाद उन्हें वापस ले जाया जाएगा। पीलीभीत में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए प्रशासन लगातार टीकाकरण को बढ़ावा देने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की बात कर रहा है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना नियम की संख्या बढ़ाते हुए नजर आ रही है। पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में वैक्सीन सेंटर पर जो लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं वो सभी लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं लेकिन जो स्टाफ वैक्सीनेशन कर रहा है वो सारे ही लोग बिना मास्क लगाए वहां पर बैठे हैं। जब वीआईपी चेक किया गया तो डॉक्टर दिनेश गिरी बिना मास्क के ही वैक्सीन सेंटर पर घूमते हुए नजर आए। वही डॉक्टर मोबाइल देखकर डर कर मोबाइल से उन्हें छीन लिया जिसके बाद शिकायत कर सीएमओ और आईएएस के जॉइंट मजिस्ट्रेट लोगों को मौके पर पहुंचे तब डॉक्टर दिनेश गिरी को पहुंचे मजबूरन मास्क लगाना पड़ा। इसके दौरान दिनेश गिरी डर कर पत्रकारों को अराजक तत्व भी बताने लगे। बता दें वैक्सीनेशन सेंटर पर जहाँ एक तरफ लोग मास्क लगा कर पहुंच रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है वैक्सीन लगाने के लिए वही वैक्सीन मास्क लगाए नहीं नजर आ रही है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लोग बैठे हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए और सभी ने मास्क लगाया हुआ
Ich habe mich gerade mit dem Sprecher auf dem Telefon gesprochen.